हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल जो है SWG स्टडी विद गुरुकुल्स। और आज हम जो है एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट कम्स अंडर द सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप प्रोसेसेस। इस चैप्टर के अंदर जो हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ अ ग्रुप। ग्रुप क्या होता है? वैसे आप सबको पता है ग्रुप क्या होता है। आपके ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स होते हैं, ग्रुप ऑफ कलीग्स होते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के मेम्बर्स होते हैं। बट हम व्हेन वी स्टडी ग्रुप एज अ मीन्स इन साइकोलॉजी, तो वॉट डज इट मीन? सो ग्रुप मीन्स बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल विच फॉर्म्स अ ग्रुप, एंड देयर कैन बी इंट्रैक्शन इन इट एंड देयर कैन नॉट बी एन इंट्रैक्शन इन इट। मतलब उनके बीच में बातचीत हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। बट अगर इंट्रैक्शन नहीं होती है तो वो क्या रह जाता है? मेयर एग्रीगेशन, मतलब एक कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल रह जाता है। बट वही कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल के बीच में जब इंट्रैक्शन होती है तब वो क्या बनता है? ग्रुप। तो बेसिकली अ फंक्शनल ग्रुप इज़ कैरेक्टराइज बाय कॉमन गोल्स। इनके कॉमन गोल्स होते हैं, लक्ष्य इनके कॉमन होते हैं, सेम लक्ष्य होते हैं। इनमें इंटरस्टिमुलेशन रहते हैं। इंटरस्टिमुलेशन मतलब वार्तालाप रहती है, बातचीत चलती रहती है, डायलॉग्स रहते हैं, एंड एक दूसरे को इस तरीके से स्टिमुलेट करते हैं, अग्रसर करते हैं टुवर्ड अचीविंग द कॉमन गोल्स। इसमें हम जो मेंबर्स हैं उनमें रिस्पॉन्स भी रहता है, एक दूसरे को रिस्पॉन्स देते हैं, विच सर्व्स एज अ मीन्स फॉर सेटिस्फाइंग द इंडिविजुअल नीड्स, जिससे कि उनकी इंडिविजुअल नीड्स भी सेटिस्फाई होती है, एंड इन विच इंडिविजुअल एंटर इनटू रेसिप्रोकल रिलेशन। नाउ रेसिप्रोकल रिलेशन का मतलब क्या है? कि आप मेरे लिए ये काम करो, मैं आपके लिए ये काम करता हूँ, और हम सब मिलके जो है पूरे ग्रुप का जो है कॉमन गोल वो काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्कूल्स में मैम एक टीम बना देते हैं, ग्रुप बना देते हैं 5 to 6 स्टूडेंट्स का, एंड उसका एक प्रोजेक्ट दे देते हैं कि आप लोगों को प्रोजेक्ट बनाना है। अब इस प्रोजेक्ट में सब डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं कि आप प्रिंट आउट लेके आओगे, आप इंटरनेट पे ये सर्च करोगे, आप बुक इसको बाइंडिंग का काम करोगे, तो डिफरेंट आप ये जो है चार्ट पेस्टिंग करोगे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट आपको जो है काम आप अपने एक दूसरे पर एलोकेट कर लेते हो। और क्या करते हो आप? बट कॉमन गोल क्या होता है कि प्रोजेक्ट अच्छा बनाना है, हमको प्रेजेंट अच्छे से करना है ना। सो इसमें क्या होता है, एंड वी आइडेंटिफाई मतलब अपने आप को एज ए ग्रुप मेंबर की तरह, एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप मेंबर की तरह आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि हमें इस ग्रुप की मेंबरशिप है, मतलब ग्रुप कोहेसिवनेस आ जाती है उनमें, बहुत फील आ जाती है कि हम इस ग्रुप के मेंबर हैं। So how can you define it? So you can define group into a organized system of two or more people which interact and which are interdependent, have common motives, and have a set of role relationship among the members and have norms. इसमें कुछ बहुत important जो चीज़ें हैं कि इसमें there should be a collection of people, मतलब दो से ज़्यादा लोग हों, interact करते हों, इंटरडिपेंडेंट हो, कॉमन मोटिव हो, एंड उनका रिलेशनशिप हो एक दूसरे के साथ। तो एंड वो जो वर्क करते हैं, दे वर्क विद सम नॉर्म्स, एंड जो ग्रुप की रेगुलेशन होती है उसके स्टैंडर्ड्स रहते हैं, उसी के अनुसार जो है ग्रुप मेंबर्स बिहेव करते हैं। सो मैकडेविड क्या कहते हैं? मैकडेविड सेज कि A group is an organized system of more individuals which are related to one another, so it performs some functions that are standard of role relationship and have set of norms that regulate the same function. तो almost McDavid ने क्या दिया, almost same ये ही चीज़ बता रखी है। So इसके most common features क्या हो जाते हैं group के, जो most common group के features हो जाते हैं कि it is a collection of people with common goals and motives, इसमें दो या दो से ज़्यादा लोग होंगे, who perceive themselves belonging to the group, उनको अपने इस group के लिए belongingness होती है, एक membership उनको feel होती है, and हर group एक unique है, वो सब मतलब अपने आप को unique group मानते हैं, and ये जो members होते हैं interdependent होते हैं एक दूसरे पे, जैसे मैंने starting में बताया था कि आप मेरा ये काम करोगे और मैं ये काम करूँगा और हम सब मिलके एक ग्रुप के जो सिद्धांत सॉरी जो गोल्स हैं उसके लिए काम करेंगे। सो मेंबर्स इंटरेक्ट विद ईच अदर, मेंबर्स इंटरेक्ट करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद ईच अदर, एंड मेंबर्स सेटिस्फाई नीड थ्रू द एसोसिएशन एंड इन्फ्लुएंस ईच अदर। एसोसिएशन में क्लोज कनेक्शन में काम करते हैं, एक दूसरे की नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, एंड जैसे मैंने बताया दे हैव अ सेट नॉर्म्स रोल्स एंड स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू विच हर मेंबर को काम होना चाहिए, बिहेव करना चाहिए, एक्सपेक्टेड
बिहेवियर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर ग्रुप। जैसे अगर मैम ने ग्रुप बनाया है, दैट ग्रुप बिलोंग्स टू अ डिसिप्लिनरी ग्रुप, मतलब उसको क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करना है, तो उसको खुद पहले डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, खुद डिसिप्लिन होना पड़ेगा, ताकि वो दूसरों को रोक सके या टोक सके। सो वन मस्ट यू नो एक्सपेक्ट टू बिहेव विद विद अ सेट ऑफ द नॉर्म्स जो कि उस ग्रुप ने एस्टैब्लिश कर रखे हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपके दिमाग में आनी चाहिए कि वाई ग्रुप एग्जिस्ट, हम किसी भी ग्रुप का मेंबर क्यों होना चाहिए और ग्रुप एग्जिस्ट क्यों करते हैं। आप मैं सभी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप के मेंबर्स होते हैं, बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं। एंड क्यों होते हैं? क्योंकि इट सेटिस्फाइज डिफरेंट नीड्स, डिफरेंट डिफरेंट तरह के नीड्स होती हैं, एंड साथ ही में ये कुछ प्रेशर डिमांड्स और एक्सपेक्टेशंस भी पुट अप करते हैं ऑन द इंडिविजुअल। तो क्या हैं वो एक्सपेक्टेशंस, डिमांड्स और नीड्स? द फर्स्ट वन इज़ द सिक्योरिटी। जब हमें किसी ग्रुप के मेंबर्स होते हैं तो हमें सिक्योर फील होता है, वी फील कंफर्ट, वी फील दैट वी आर प्रोटेक्टेड, एंड वी फील स्ट्रॉन्गर एंड लेस वल्नरेबल टू थ्रेट्स। आपने देखा होगा ना, एनिमल्स भी झुंड में जाते हैं, है ना, एंड दैट्स वाई वी ऑल्सो लाइक अ सोशल एनिमल है हम लोग भी। तो हम लोगों को भी एक ग्रुप में रहकर जो है पसंद है, ताकि हम सिक्योर फील करें। नेक्स्ट इज द स्टेटस। स्टेटस क्या है? रिकग्नाइज्ड ग्रुप फील्स अ पावर ऑफ इम्पॉर्टेंस। मतलब जब हम ग्रुप में रहते हैं तो हमें एक पावर फील होती है, एक इम्पॉर्टेंस फील होती है। आपने देखा होगा कि कुछ मतलब जो पर्टिकुलर कम्युनिटी होता है उसमें सेम टाइप के ही लोग मिलते हैं, वो ग्रुप बना के रहते हैं, झुंड में रहते हैं, जुट बना के रहते हैं, सेम कॉलोनीज में रहते हैं, सो दैट दे वॉन्ट टू फील सिक्योर। एंड उसके साथ क्या आता है, उनको एक फीलिंग ऑफ पावर और इम्पॉर्टेंस भी आती है। नेक्स्ट इज सेल्फ एस्टीम। इससे उनकी एक सेल्फ वर्थ और एक पॉजिटिव सोशल आइडेंटिटी डेवलप होती है। और देखा गया जो बहुत प्रेस्टीजियस ग्रुप के मेंबर्स होते हैं, उनका सेल्फ कंसेप्ट बहुत अच्छा होता है। फॉर एग्जाम्पल, सुभाष चंद्र बोस प्रेजिडेंसी कॉलेज में पढ़े थे, दैट वॉज अ वेरी प्रेस्टीजियस कॉलेज एट द टाइम ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर जब इंडिया में था। तो उस कॉलेज के जो भी लोग थे, जो कि सुभाष चंद्र बोस एक एग्जाम्पल हैं, तो बहुत अच्छा सेल्फ कंसेप्ट था उनका, जो कि उन्होंने इंडिया के इंडिपेंडेंस में इतना पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट इज अ गोल अचीवमेंट। ना गोल अचीवमेंट, कुछ भी अचीव करना सबको अच्छा लगता है। सो जब ये जो ग्रुप है, इट हेल्प अस टू अटेन सम गोल्स विच कैन नॉट बी अटेंड अलोन। अब कुछ ऐसे सोशल गोल्स होते हैं कि जो हम अकेले नहीं कर सकते, तो ऐसे गोल्स की पूर्ति के लिए हमें क्या चाहिए? ग्रुप चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप अपने बच्चों की शादी करना चाहते हो इन द सेम कल्चर, सेम सोसाइटी, तो यू शुड हैव अ ग्रुप, सो दैट पीपल नोस कि हाँ, ये फला फला ग्रुप या कल्चर से बिलोंग करते हैं और अपने बच्चों की शादी करना चाहते हैं, तो ये आप अकेले नहीं कर सकते, तो यू शुड बी मेम्बर ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप। नेक्स्ट इज इट प्रोवाइड्स नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। जब आप किसी ग्रुप के मेंबर होते हो, इंटरेक्ट करते हो, तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन को सप्लीमेंट करते हैं। देन इट सेटिस्फाइज योर साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड्स, जैसे कि जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है, आपको अटेंशन, लव, पावर, ये सब चाहिए होते हैं। देखो फ्रेंड्स, सुख दुख हर किसी की लाइफ में आते रहते हैं, बट आप किसी ग्रुप का मेंबर होते हो तो आपके जो उसके और मेंबर्स हैं, आपके दुख में साथ दे सकते हैं। आप का कोई लॉस हो गया है, फाइनेंशियल, पर्सनल, जो भी हो, तो दे कैन सपोर्ट। तो ये आपकी जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक सोशल सपोर्ट का भी काम करती है। तो दैट्स व्हाई वी नीड ग्रुप्स, यू मी एंड ऑल नीड्स ग्रुप, एंड हम चाहते हैं कि हम किसी न किसी ग्रुप के मेंबर बने रहें। नाउ टाइप्स, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रुप्स। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इज द प्राइमरी ग्रुप। नाउ प्राइमरी ग्रुप्स क्या होते हैं? दे आर मेनली करेक्टराइज बाय द इंटीमेट एंड फेस टू फेस एसोसिएशन। मतलब बहुत क्लोज एसोसिएशन होती है, जिसमें कि इंटीमेट रिलेशनशिप या एसोसिएशन होते हैं, कोऑपरेशन होती है, वो होते हैं प्राइमरी ग्रुप। जैसे कि हमारी फैमिली हो गई, सुख दुख में हमेशा साथ रहते हैं, चाहे कुछ भी हो, रोज़ इंट्रैक्शन होती है। बच्चों के प्ले ग्रुप्स हो गए, रोज़ बच्चे शाम को जाते हैं, उनको भी अटैचमेंट होते हैं, तभी वो शाम को जाते हैं खेलने के लिए। एडोलेसेंट ग्रुप्स हो गए, नेबर्स, नेबरहुड में भी कहा जाता है कि रिश्तेदार बेशक दूर हों, बट पड़ोसी हमेशा पास होते हैं, अपने सुख दुख में हमेशा रहते हैं। वो इसीलिए ही बोला गया है, बिकॉज उनसे रोज़ रोज़ इंट्रैक्शन हो जाते हैं। इंट्रैक्शन ना भी हो तो हाय हेलो, ऊपर कपड़े सुखाने जाते हैं तो तब भी देख लेते हैं। तो ये भी क्या आता है? प्राइमरी ग्रुप में आ जाता है। नेक्स्ट इज़ द सेकेंडरी ग्रुप।
सेकेंडरी ग्रुप कब बनते हैं? वैन इट इज़ यू नो स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, जैसे नेशनल पार्टी के मेंबर हो गए, पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हो गए, किसी रिलीजियस पार्टी के मेंबर हो गए, फ्रटर्नल या प्रोफेशनल ग्रुप के हो गए, लाइक फीफा जो फुटबॉल वर्ल्ड कप है, जो मैनचेस्टर फुटबॉल में है, उसके उसके क्लब मेंबर हो गए आप, लाइक दैट. सो दे डोंट डिपेंड ऑन टू फेस कॉन्टैक्ट. डेली फेस टू फेस कॉन्टैक्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस हाँ कुछ इंट्रैक्शन होता रहता है, जैसे मैच हो गया तो खेल लिए, नहीं मैच हुआ तो नहीं खेले. सो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ द सेकेंडरी ग्रुप. नेक्स्ट इज द सोशल एंड साइकोलॉजिकल ग्रुप. ना सोशल एंड साइकोलॉजिकल ग्रुप में मेन डिफरेंस क्या है कि जो सोशल ग्रुप होता है दैट इज़ इम्पर्सनल, उसमें कोई पर्सनल काम नहीं होता है. इट इज़ बेसिकली एसोसिएट विद योर वर्क या कोई कॉमन ऑब्जेक्टिव, जैसे कि ऑफिस में कॉमन गोल कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई जो प्रोजेक्ट मिला है हमें वो पूरा करना है. जैसे लेबर यूनियन हो गई, लेबर यूनियन का काम क्या है कि जो लेबर्स हैं उनके राइट्स का, उनके अधिकार का ख्याल रखा जाए, इसलिए सब उसके मेंबर होते हैं. लाइक एडिटोरियल स्टाफ ऑफ अ स्कूल ईयर बुक, तो उसका क्या काम है कि जो भी मैगजीन रिलीज होते हैं उसका प्रॉपर एडिट हो, तो ये एक सोशल ग्रुप है. ना साइकोलॉजिकल ग्रुप क्या होता है, इसमें पर्सनल होता है, मतलब इसमें हमारी भावनाएं अटैच होती हैं, पर्सनली हमारी नीड सेटिस्फाई हो रही होती है. जैसे कि फॉर एग्जांपल शाम को मैंने अभी एग्जांपल दिया था, बच्चे सारे खेलने जाते हैं तो उनकी होती है कि स्कूल से आने के बाद हमें तो उस फ्रेंड से मिलना है, हमें खेलना है. एग्जाम्पल द गर्ल्स हु मीट रेगुलर अंडर द ट्री रिसेस, जैसे कि लंच टाइम स्कूल में होता है और कुछ ग्रुप ऑफ लड़कियों का होता है, वो हमेशा एक पेड़ के नीचे मिलते हैं और अपना खेलते हैं, लंच करते हैं, चिट चैट करते हैं, जो भी है. तो ये एग्जाम्पल है साइकोलॉजिकल, क्योंकि इसमें हमारी साइकोलॉजिकल नीड या पर्सनल नीड पूरी हो रही है. नेक्स्ट इज द ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज ग्रुप. ना ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज ग्रुप में क्या मेन डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि ऑर्गेनाइज ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं दे हैव डिफरेंट डिफरेंट रोल्स इन रिलेशन टू द कॉमन गोल. एंड यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन किससे, जो डिफरेंस मैं बताई थी दैट इज ऑफ द डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, इट मे वेरी, लूज हो सकती है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, फॉर्मल भी हो सकती है. फॉर्मल मतलब जहाँ पे कि डिग्री ऑफ यू नो फ्रीडम थोड़ी कम हो गई, जैसे कि आपके कॉलेज में हो गया, कॉलेज में हो गया, यूनियन हो गई, और आपके ऑफिस में हो गया, तो वहाँ पे इट विल बी लाइक फॉर्मल होगा, आपको इतनी फ्रीडम नहीं मिलेगी. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जैसे आपका थिएटर क्लब हो गया, दैट विल बी जहाँ आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी एक्सप्रेस करने की या अपनी बात रखने की, इन कंपेरिजन टू द फॉर्मल वन. बट ये जो ग्रुप है ना, इसका कोई लीडर होगा. तो जो मैं बता रही थी कि डिफरेंस बिटवीन क्या है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप का, कि लीडर होता है. ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप में क्या होता है, लीडर होता है, देयर इज वन लीडर हु विल लीड द ग्रुप. बट इन अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप देयर इज़ नो लीडर एज सच, एंड यहाँ पे जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनको मोर और लेस इंडिपेंडेंटली काम करने का मिल जाता है. एंड इट इज़ वेरी हाईली फ्लैक्सीबल, मतलब अपने फ्रीडम के हिसाब से काम किया जा सकता है. एंड मेम्बर्स आर फ्री टू डेवलप देयर रोल्स एज दे प्लीज, अपने हिसाब से कि हाँ भाई मैं तो अकाउंटेंट का काम करूँगी, मैं तो ये पैसे पैसे कलेक्ट कर लूँगी, और मैं जो है पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर लूँगा. मतलब ऐसे नहीं कि एक लीडर हो ऑर्गेनाइज्ड और उसके अंदर जो है एडिटोरियल कमेटी है, उसके अंडर जो है ये अकाउंट डिपार्टमेंट है, वो सब कुछ डिसाइड करेगा. नो, ऐसा नहीं है इन द अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप. सो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप. बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी जो है अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप में ज़्यादा मिल जाती है, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप में कम मिलती है, क्योंकि उसका एक लीडर होता है विच इज़ द वन हु डिसाइड्स ऑल अदर एस्पेक्ट्स अलॉन्ग विद द मेम्बर्स. तो नेक्स्ट इज द इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप. इन ग्रुप क्या होते हैं, जिनको लॉयल्टी होती है अपने ग्रुप के अंदर, यू नो ग्रुप मेंबर्स में लॉयल्टी होती है फॉर द ग्रुप एंड फॉर द ईच अदर, दैट इज द इन ग्रुप. एंड आउट ग्रुप क्या हो गए, जिसमें कि मेंबर्स में लॉयल्टी नहीं होती है, देर इज नो सिंपथी, रादर वहाँ पे डिसलाइक, हेटरेड और ऑपोजिशन, फियर, दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द आउट ग्रुप. यू नो बेसिकली दूसरा ग्रुप हो गया, दैट इज द आउट ग्रुप. तो ये आउट ग्रुप कैसे हो सकते हैं, एक अलग नेशन, एक अलग रेस, रिलीजन, नेबरहुड ग्रुप, तो ये क्या करते हैं एक दूसरे को, ये हेटरेड की बात है क्योंकि वो एक दूसरे को इन्फीरियर देखने की कोशिश करते हैं, कि एक दूसरे को अपने से कम समझते हैं, कम आंकते हैं,
जिसकी वजह से प्रेजुडिस और हॉस्टिलिटी और एग्रेशन की भावनाएं आती है इन द आर्ट ग्रुप। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द इन ग्रुप एंड द आर्ट ग्रुप। तो फ्रेंड दिस वॉज अबाउट द ग्रुप मीनिंग डेफिनेशन टाइप्स एंड वाई वी नीड ग्रुप। आई होप मैं आपको समझाने में सक्षम रही हूँ एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप ये वीडियो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ बनाती रहूँ तो प्लीज़ इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, मुझे मोटिवेट करिए विद योर लाइक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।